चारों ओर एक ही संकल्प है और वो संकल्प और नारा है फिर एक बार। और बिहार के अंदर मुझे चौथी बार आने का अवसर प्राप्त हुआ इस चुनाव में। और बहनों भाइयों, चौथी बार जब मैं आया और बिहार में जहां कहीं भी मैं गया, वो बिहार की जनता ने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं। और यहां की जनता बार बार कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के, राम भक्त ही राज करेगा। और हमारे मोदी जी ठहरे परम राम भक्त, और आपका सौभाग्य है कि 500 वर्षों की भगवान राम के 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करने के भगवान राम के वकील आपके प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद जी ही हैं। रविशंकर जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपने, आपके पूज्य पिताजी ने आज से नहीं पिछले 5 दशक में भारत और भारतीयता के लिए, भारत की राष्ट्रीयता के लिए लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जिस निष्ठा के साथ प्रभु श्री राम की लड़ाई को लड़ा है, सचमुच आपने भारत के कोटि कोटि लोगों के जीवन को पूर्णमय करने का कार्य किया। और इसीलिए मैं आज तो आपका अभिनंदन करने के लिए आपके पास आपकी संसदीय सीट पर आया हूं। बहन और भाइयों, आज पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान प्रफुल्लित है, एक स्वर से बोल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में रामलला विराजमान जरूर हुए हैं, लेकिन बहनों और भाइयों, प्रभु राम की लड़ाई को प्रभावी ढंग से सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में लड़ने का काम आपका सांसद और आज के एनडीए के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद जी ने ही किया। लगातार लड़ते रहे, बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे उन्होंने इस लड़ाई को प्रभावी ढंग से लड़ा। और बहनों भाइयों, आज उस सपने को साकार किया है जिसके लिए हम और हमारे पूर्वज लड़ते थे, कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वही, और अब तो मंदिर बन गया है। कितने, आप मुझे बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने 22 जनवरी के बाद अयोध्या का दर्शन किया है, कितने लोग हैं? मैं यहां पर इंजीनियर सतीश कुमार सिंह से कहूंगा कि चुनाव के बाद एक बार जब मुझे बता देंगे, यहां फतवा के लोगों को अयोध्या धाम दर्शन कराने के लिए लेके आ जाइए, बाकी वहां व्यवस्था हम कर लेंगे। और बिहार के लोगों का तो अयोध्या के साथ और यूपी के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ जो संबंध है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता है। आप ये बात सुनिए, हम लोग भी जब बिहार आते हैं तो हमें लगता है जैसे अपने ननिहाल जा रहे हैं, माता सीता का मायका। और बहनों और भाइयों, गर्व होता है हम लोगों को बिहार पर, बिहार ने एक से एक विभूतियों को दिया है देश को। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, हमारा ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हमने प्रभु राम को 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान होते हुए देखा है। और प्रभु राम का विराजमान होना वर्तमान भारत की पूरी पीढ़ी को सौभाग्यशाली बनाती है, पुण्य का फलदायी बनाती है, और उस पुण्य के साथ आपको भी सहभागी बनाने के लिए मैं आज आपके पास यहां पर आया हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश बदल चुका है, एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में।
एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हुई है। एक ऐसा भारत दुनिया के अंदर जिसका सम्मान है, एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं सुरक्षित है, एक ऐसा भारत, याद करिए, एक कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी, अयोध्या में आतंकी हमला हुआ, काशी में आतंकी हमला हुआ, ये पटना में सीरियल ब्लास्ट हुए और देश के अंदर अलग अलग कोनों में जब विस्फोट होते थे, सुबह की शुरुआत होती थी किसी बड़े घोटाले से और शाम आते आते किसी बड़ी आतंकी वारदात की सूचना आती थी। हम लोग सांसद हुआ करते थे, रविशंकर प्रसाद जी भी सांसद हुआ करते थे और जब हम लोग इस मुद्दे को उठाते थे, सरकार से कहते थे, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार से कहते थे, आतंकवादियों से निपटो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। और आज मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त, अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता है साहब मेरा हाथ नहीं है, उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी, ये नया भारत है। और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस और आरजेडी के लोगों से, जो लोग पाकिस्तान का राग लाप रहे हैं, का ये भारत पे बोझा बने हुए हो, अरे जाओ पाकिस्तान, अरे हिंदुस्तान में मोदी जी तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, पाकिस्तान में कोई भीख भी नहीं देने वाला है क्योंकि वहां पे स्वयं भूखों मर रहे हैं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभार करके खुशहाल जीवन जीने की ओर अग्रसर किया है। बहनों भाइयों, 60 करोड़ घरों में आज मोदी जी ने 60 करोड़ लोगों को देश में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की मुफ्त उपचार की सुविधा दी है। और मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को फ्री में 5 लाख रुपए हर वर्ष उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण, हर घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मोदी जी ने कहा 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो बैनर भाइयों उस समय जितने भी गरीब होंगे सबके लिए एक एक मकान की स्वीकृति भी उसके साथ ही प्राप्त हो जाएगी। भारतीय जनसंघ के समय से लड़ाई लड़ी जाती थी, एक देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान होगा। कांग्रेस जबरदस्ती धारा 370 को, इस बोझ को देश के अंदर लादी हुई थी। हम आभारी हैं मोदी जी के, उन्होंने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का निर्णय लिया। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे रविशंकर प्रसाद जी का, जिन्होंने न्यायालय में इस लड़ाई को लड़ा, कश्मीर में धारा 370 हमेशा के लिए समाप्त होकर के आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम भी कर दिया। बहनों भाइयों, आज नया भारत सम्मान भी दे रहा है, सुरक्षा भी दे रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के, रेलवे वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत के रूप में, एयरपोर्ट की सुविधा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की सुविधा, एम्स, IIT, IIM, IIIT, NIT और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण देश के अलग अलग कोने में हो रहा है। हर घर नल की योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति आज मोदी जी की प्राथमिकता है। एक नया भारत विकास भी कराता है और गरीबों के कल्याण के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य भी कर रहा है। ये नया भारत अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर भी बनाता है,
काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण भी करता है, और काशी और अयोध्या जब पूरे हो चुके हैं तो अब हम मथुरा की तरफ भी थोड़ा थोड़ा उधर भी जा रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया कहां इंतजार करने वाले हैं। कृष्ण कन्हैया के कार्य को आरजेडी नहीं पूरा करेगी, क्योंकि उसको तो वोट चाहिए, उसका काम तो राम भक्त ही करने जा रहे हैं, राम भक्त इस कार्य को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और इसलिए बहनों भाइयों, आज हम सब आपके बीच आए हैं, याद करिए आरजेडी की सरकार और कांग्रेस की सरकार इस बिहार में क्या थी, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। मोदी जी आपको डिजिटल युग में ले गए हैं, लेकिन लालू जी की आरजेडी आज भी आपको लालटेन युग में ले जाना चाहती है, लालटेन युग में ले जाना चाहती है, क्योंकि वह चाहते हैं अंधेरा रहे, अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में ही टकेती पड़ेगी, इसलिए नहीं चाहते हैं विकास हो जाए, इसीलिए उन्होंने विकास भी नहीं किया है, विकास कराएंगे भी नहीं। क्या स्थिति थी, न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी सुरक्षित था, बिहार का नौजवान कहीं बाहर जाता था, हमें दया आती थी, देश को नेतृत्व देने वाला बिहार, प्रतिभाशाली हमारा युवा पहचान के लिए मोहताज होता था। क्या कर दिया था लालू जी ने, यहां पर क्या स्थिति पकड़ा दी थी। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले यही स्थिति उत्तर प्रदेश में थी, और उत्तर प्रदेश में आपने पिछले 7 वर्ष में देखा होगा एक भी दंगा नहीं हुआ, जितने दंगाई थे सब दंगाइयों को एक एक करके राम नाम सत्य की यात्रा में भेज दिया गया। जिन लोगों ने गरीबों की जमीन पर कब्जा किया था, जिन लोगों ने जबरन अतिक्रमण करके वहां पर गरीबों की जमीनों पर, व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा किया था, एक एक करके वे सभी हटते गए, और जो ज्यादा ही भीड़ किस्म का था उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भी बड़े अच्छे तरीके से कर दिया गया। आज बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे माचड़े जितने बड़े दुर्दांत माफिया थे, जो सब ये समाजवादी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के सागिर्द थे, ये सब चोर मुसेरे भाई हैं, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, आज आप देखते होंगे उनके समय में माफिया चलता था तो सड़कें जाम हो जाती थी, सड़कें पूरी तरह खाली हो जाती थी, सारा प्रोटोकॉल स्थगित हो जाता था, उसका काफिला चलता था, और जैसे ही बीजेपी की सरकार वहां पर आई, एनडीए की सरकार आई, मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, आज आप देखते होंगे दुर्दांत माफिया जब पुलिस के सामने आता है तो उनकी पैंट गीली हो जाती है, आज उनकी हालत देखने लायक बनती है, वो कहते हैं साहब गले में तख्ती लटका करके कहते हैं साहब एक बार जान बकस दो बस, सब थैली लगा करके अपना भरण पोषण कर लेंगे, अब किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे, किसी निर्दोष को गोली नहीं मारेंगे, अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे, अराजकता नहीं फैलाएंगे। और हमने भी कहा था बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे तो दूसरे चौराहे पर यमराज तुम्हें उठा ले जाएगा, चिंता मत करो। और बहनों भाइयों, आज आप देखते होंगे कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, वहां सब चंगा है। और मैं यही कहने के लिए आया हूं, यह परिणाम केवल भाजपा और एनडीए ही दे सकती है, बिहार विकास के